अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसराना जम। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अहम खबर देंगे। मुंबई में अगवा के बाद 11 साल लड़की से निकाह का एक और केस सामने आ गया। बेटी उम्मे हानी को 21 मई को हैदराबाद से अगवा किया गया। वालिदैन ने ये बयान दिया। पुलिस ने लड़की और लड़के को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, आफ्ताब से शादी की है, लड़की ने बयान दिया है। मजीद केस की तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन। जी शाहिद बताइएगा। ये 21 मई को जो है उम्मे हानी नामी लड़की जो हैदराबाद से, उनके वालिद ने बताया कि मुबैना तौर पर उनकी बेटी को अगवा किया गया और उसके बाद 24 मई को जो है निकाह कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में बाजियाबी से मुतालिक दफा दायर की गई थी और लड़की को पुलिस ने अदालत में पेश किया। लड़की ने अदालत में बयान दिया कि उसको अगवा नहीं बल्कि उसने अपनी पसंद की शादी की, लेकिन उसके वालिद का कहना है कि ये एक गैंग है जो बच्ची को भेज देगा और इसको जो है वो लड़के के साथ ना भेजने का हुक्म दिया। लेकिन अदालत ने कहा कि लड़की के अगवा का मामला था, अब लड़की सामने आ चुकी और खुद बयान दे रही है कि उसको किसने अगवा नहीं किया तो लिहाजा के मरीज के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर सकते। जो वाले से बार बार इस्तेदार करते रहे कि लड़की कम उम्र है और उसके पास दस्तावेजात मौजूद हैं स्कूल की और दीकर, जिसमें उसकी उम्र जो है वो 11 साल है लेकिन 18 साल निकाहनामे में जाहिर की गई है, तो लिहाजा उसको साथ ना जाने दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि हमने 2021 का फैसला किया कि इस तरह का हाई प्रोफाइल की केस भी हमारे सामने आया था, तो हमने जो कागजात हैं वो ट्रायल कोर्ट भेजे थे। हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं कर सकती। लड़की का जो है पुलिस अफसर को कहा कि बयान रिकॉर्ड किया जाए और लड़के के साथ जाने की इजाजत देते हुए अदालत ने केस निपटा दिया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शाहिद हुसैन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।